यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अब सीएमओ और एसीएमओ भी अटेंड करेंगे ओपीडी। निरीक्षण के दौरान भी 2 घंटे तक करनी होगी मरीजों की देखभाल। भारत में लगातार कम हो रहे कोरोना आंकड़े, 61 दिनों के बाद सबसे कम केस रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में 1,636 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2,427 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,74,399 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में 24 घंटे में वैक्सीन की 13,90,916 डोज लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,27,86,482 हो गया। एक दिन में 15,87,589 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 36,63,34,111 सैंपल टेस्ट। भारत में अब तक 2,89,09,975 पॉजिटिव केस हैं। इनमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 14,01,609 है। 2,71,59,180 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि 3,49,186 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का जबरदस्त असर। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 700 नए मामले। प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं मिले 100 से ज्यादा केस। 2 जिलों में कोई मामला सामने नहीं आया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,860 लोगों ने कोरोना को दी मात। एक दिन में 3,10,000 कोरोना टेस्ट हुए। 15,600 रह गए एक्टिव केस की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के खौफ को देखते हुए 7 दिनों तक और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। 15 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। डीएम अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति के मुताबिक ले सकेंगे फैसला। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा की हुई शुरुआत। 50% मुसाफिरों के साथ दौड़ी दिल्ली मेट्रो। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बंद की गई थी मेट्रो सेवा। सफर के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के तहत खुले। टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। सरकारी दफ्तर भी हुए अनलॉक। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल बस सेवा शुरू। सीट से अधिक यात्री नहीं कर पाएंगे सफर। बसों में यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। बस स्टैंड पर लगी मुसाफिरों की कतार। बच्चों को वायरल बुखार के लिए बांटी जाएगी मेडिसिन किट। 15 जून से मिलेगी मेडिसिन किट। निगरानी समितियां घर घर बांटेंगी किट। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आज से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। सभी 75 जिलों में पिंक बूथ में महिलाओं का वैक्सीनेशन। महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए 2-2 बूथ बनाए गए। महिला कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश। आज तय होगा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के साथ आज होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में JDDIOS के साथ प्रिंसिपल, शिक्षक, अभिभावक होंगे शामिल। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर होगी सुनवाई। संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार को कोर्ट दे सकती है निर्देश। नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने अस्थाई कोविड अस्पताल को किया गया बंद। कोरोना के दूसरे वेव में बनाया गया था अस्थाई कोविड अस्पताल। हापुड़ के धौलाना कस्बे में करीब 3 दर्जनों ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया। ग्राम प्रधान अतीक अहमद ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। बहराइच के जिला अधिकारी एक्शन मोड पर आए। M2 फैसिलिटी में 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता के निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। रुड़की में बांटी गई होम आइसोलेशन किट, पाई गई अधूरी। किट में कई सामान गायब होने से स्वास्थ्य विभाग के कामों पर उठे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किट में लिखा हुआ थर्मामीटर, हैंड सैनिटाइजर और ऑक्सीजन मीटर किट से गायब। यूपी में बूथ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल होगा 2022 में विधायकों का टिकट। जनता से ली जा रही है विधायकों के काम की रिपोर्ट। टिकट बंटवारे से पहले हर सीट का किया जाएगा सर्वे। कांग्रेस 46 नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी। अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं सभी नेताओं को। फील्ड में जाकर कमान संभालने की जिम्मेदारी।
खाली पड़े पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 12 जून को 1,41,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत के पदों के लिए होनी है वोटिंग। रायबरेली के घुरौना गांव में युवक को दबंगों ने दी तालिबानी सजा। गेहूं चोरी के आरोप में युवक को पेट से बांधकर लाठी डंडों से पीटा। बंधक बनाने वाले दो दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद। गंगनानी सुनगर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने से रास्ते हुए बंद। एटा में आधी रात को नेशनल हाईवे 91 पर ट्रैक्टर से लदे ट्रॉले में बेकाबू डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। डीसीएम ट्रक और ट्रॉला और ट्रॉले में लदे 9 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। डीसीएम के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, साथ ही डीसीएम में बैठा एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। घायल ड्राइवर का कोई पता नहीं चल सका। 2 फायर टेंडरों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना इलाके में अंडे की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आजमगढ़ के बउआपार गांव में बेकाबू प्राइवेट बस पुलिया की दीवार में जा घुसी। बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग जख्मी, 6 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। बस पे सवार सभी लोग भट्टा मजदूर हैं। जालौन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गए। बाइक सवारों को बचाने में हादसा हुआ। हादसे में चालक समेत 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के धमानी नदी की घटना। मुरादाबाद में 15 फीट गहरे कुएं में हिरण गिर गया। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने 15 फीट गहरे कुएं में हिरण गिरने की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसे जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। पीआरवी के इस कार्य की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कानपुर में लखनऊ कानपुर रेलवे रूट में एक डीजल ट्रेन के 3 और 11 नंबर डिब्बे में आग लग गई। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया आग कैसे लगी ये अब तक पता नहीं चल पाया है। समय रहते हुए हमने आग को नियंत्रित कर लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। बांदा जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक, एक कैदी के फरार होने से बांदा जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। लूट और डकैती के आरोप में बंद था विजय अराप। मेरठ के थाना इंचौली इलाके में प्रत्याशी के पति की गोलियों से भूनकर हत्या। हमले में युवक का पिता और भाई भी गंभीर रूप से जख्मी। ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर पत्नी का नामांकन कराने के बाद वापस लौट रहे थे सभी। पीड़ितों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटों समेत कई रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। रुद्रपुर में सौतेले पिता ने मानवता को किया शर्मसार। 6 साल की मासूम को पेन की नोक से गोदा। स्थानीय व्यापारी नेताओं ने आरोपी को ढूंढकर पुलिस के हवाले किया। मामले में पुलिस को तहरीर का इंतजार। शराब माफियाओं पर रुड़की पुलिस का शिकंजा। एसएसपी हरिद्वार ने कहा शराब माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की गई। सभी क्षेत्र के थाना प्रभारियों को दिए निर्देश, शराब बनाने वालों को बख्शा ना जाए। बहराइच के गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गन्ने के खेत की रखवाली कर रहे किसान का शव खेत में बने हुए मचान पर खून से लथपथ संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। किसान के कनपट्टी पर लगी गोली। पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची जो हत्या के सबूत जुटाने में जुट गई है। रायबरेली पंचायत उपचुनाव में नामांकन करने जा रहे प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने के लिए दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। सूचना पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने दबंगों को दौड़ाया और पूरी भीड़ विकासखंड नामांकन स्थल पर पहुंच गई। उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला। थाना क्षेत्र के मंचितपुर गाँव का मामला। झांसी में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स को गोली मार दी गई। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। जख्मी को गंभीर हालत में लखनऊ भेजा गया। थाना नवाबाद के खुशीपुर इलाके का मामला। सहारनपुर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी और एसएसपी सहारनपुर ने शराब की सभी दुकानों पर जिले में चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। डीएम और एसएसपी ने शराब के सभी ब्रांड के बारकोड को स्कैन करके चेक किया।
फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव से अपहरण के बाद फिरौती की 20 लाख की मांग न पूरी होने पर 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने अपहरण के बाद कुकर्म कर हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूली। लखसर में दबंगों ने बरपाया आतंक, गलियों में फायरिंग करते घूमे कई अज्ञात युवक। गांव में फैली दहशत, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में एटीएम मशीन से पैसे चुराने वाला ग्रुप गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए बरामद। कौशाम्बी पुलिस ने महिला की सिरकटी लाश की शिनाख्त की। पुलिस ने 72 घंटे में किया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति और ससुर को किया गिरफ्तार। महोबा में गांव में 5 डिसमिल जमीन के पीछे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार। मसूरी में क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं दूसरी करीब 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रविवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा की। आगरा लोकसभा सीट से सांसद एसपी सिंह बघेल ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने के लिए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। कहा कि अखिलेश भाजपाई वैक्सीन का विरोध करते थे, फिर उन्होंने वैक्सीन क्यों लगवा ली। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने नगर विकास मंत्री से आरओ प्लांट के लिए पत्र लिखकर गुहार लगाई। कहा क्षेत्र की 5 नगर पंचायतों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक एक आरओ प्लांट लगाया जाए। बागपत के बालैनी में पिलाना ब्लॉक प्रमुख पद के संभावित प्रत्याशी और सपा लोकसभा प्रभारी उनके समर्थकों के साथ मारपीट और फायरिंग। मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विकासनगर के लोहारी गांव के ग्रामीण लखड़वाल व्यासी बांध परियोजना स्थल जूडो में निर्माण कार्य बंद कराकर धरने पर बैठ गए। विस्थापन की मांग पूरी होने के बाद धरना खत्म करने की कही बात। जोशीमठ में जल संस्थान की टीम बद्रीनाथ धाम में जल आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। आम लोगों को जल आपूर्ति न होने से दिक्कत हो रही है, पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से बड़ी परेशानी। पौड़ी में मुख्य बाजारों की बदहाल सड़क की सुध नगरपालिका ने ले ली है। मरम्मत का कार्य कोरोना कर्फ्यू के दौर में शुरू हो गया है। ये सड़क काफी लंबे समय से खराब थी। पीलीभीत में कोरोना से बेखौफ मासूम नदी में छलांग लगाकर कर रहे हैं जान के साथ खिलवाड़। मासूम बच्चों का नदी में छलांग लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर संबंधित थाना क्षेत्र के जिला प्रशासन ने निगरानी के निर्देश दिए हैं। लखीमपुरी गांव में विशालकाय मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया। जानकारी पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर छोड़ा। थाना निघासन इलाके के मुन्नापुरवा गांव का मामला। पश्चिम बंगाल में ओएसडी के पदों को लेकर राज्यपाल और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सांसद महुआ को दिया जवाब। ट्वीट कर कहा, ओएसडी में मेरा कोई करीबी नहीं, सभी अलग अलग जाति से हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग राहत बचाव कार्य में जुटा रहा। पाकिस्तान में सुबह सुबह बड़ा रेल हादसा। सिंध के डहारकी इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गयी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 50 से ज्यादा मुसाफिर घायल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में नहीं रुक रही गोलीबारी की घटनाएं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन पार्टी में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, कम से कम 6 लोग जख्मी। मियामी में इस तरह गोलीबारी का नया मामला सामने आया है।
प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल दूसरी बार माता पिता बन गए। मेगन मार्केल ने बेटी को जन्म दिया। ब्रिटेन के ड्यूक प्रिंस हैरी ने अपनी बेटी का नाम क्वीन एलिजाबेथ और अपनी माँ प्रिंसेस डायना के नाम पर लिलीबेट डायना रखा है। चुनाव हारने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का पहला भाषण, बोले हम नॉर्थ कैरोलिना जीतने जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। ब्राजील सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन के आयात प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत बायोटेक कंपनी पहली खेप के तौर पर कोवैक्सीन की करीब 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है। भारत सरकार की ओर से दिग्गज तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा पर लगाने के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर और आभूषणों समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी। आम आदमी को फिर से झटका। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। आयकर विभाग का नया पोर्टल शुरू। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर इस पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दे सकेंगे। साथ ही ये पोर्टल दिए गए विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा है। कर रिफंड की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जा सकेगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स में 85 अंकों की तेजी, 52,000 के लेवल को किया पार। वही निफ्टी 37 अंक की बढ़त के साथ 15,708 के स्तर पर खुला। दुनिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने तीसरे दौर में मिली मुश्किल जीत के 12 घंटे बाद फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम से हटने का फैसला किया। फेडरर ने कहा उनके लिए अपने शरीर को देखना काफी अहम है। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। सेरेना को टूर्नामेंट के चौथे राउंड में कजाकिस्तान की एलियना रिबाकिना ने 6-3, 7-5 से दी शिकस्त। 21 साल की रिबाकिना ने ये मुकाबला सिर्फ 1 घंटे 17 मिनट में अपने नाम किया। रिबाकिना ने कोर्ट पर बेहतरीन शॉट्स खेले और दूसरा सेट 7-5 से अपने नाम कर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक्टर अली फजल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपनी दूसरी मोहब्बत यानी घोड़े को प्यार से देखते नजर आ रहे हैं। इससे पहले अली ने घोड़े के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। एक्ट्रेस यामी गौतम की शादी के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने इसमें ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, हाथों में लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी है।